अगर हमारे हाथ से कुछ चीजें गिरती हैं तो ये हमारे लिए अशुभ संकेत हो सकता है वास्तु शास्त्र कहता है कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकती हैं और मुश्किलें भी आ सकती हैं। ऐसा ही कुछ संकेत देती हैं हमारे हाथ से गिरने वाली चीजें वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर हमारे हाथ से कुछ चीजें गिरती है तो ये हमारे लिए अशुभ संकेत हो सकता है आइए जानते हैं किन चीजों के गिरने से मिलता है शुभ संकेत और अशुभ संकेत हाथों से तेल का गिरना वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पूजा घर या फिर किचन में अगर आप तेल इस्तेमाल करते हैं और वह बार बार गिर रहा है तो ये शुभ संकेत नहीं है इसलिए तेल शनिदेव का माना गया है साथ ही शनिवार के दिन ही शनि देव को तेल चढ़ाते हैं और उसका दान भी करते हैं ऐसे में हाथ से बार बार तेल का गिरना धन हानि का संकेत माना गया है बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं बार बार दूध का गिरना मान्यता है कि बार बार उबलता हुआ दूध गिरने से दूध का गिलास हाथ से छूट जाने से कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है वास्तु शास्त्र कहता है की दूध चंद्रदेव का प्रतीक है इसलिए बार बार ऐसा होने से आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है और आपके मस्तिष्क में कई तरह की चिंताएं धारण होने लगती है नमक का गिरना नमक का इस्तेमाल हर एक घर में होता है ऐसे में बार 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 अगर नमक हाथ से छूट कर गिर रहा है तो ये शुभ संकेत नहीं है माना यह जाता है कि नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर होते हैं वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि नमक गिरने में घर विवाद बढ़ सकता है ऐसा अगर कभी कभी हो रहा है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो आप परेशानियों में घिर सकते हैं प्लेट से अनाज का गिरना वास्तु शास्त्र में बताया गया कि खाना परोसते समय किसी को दान देते समय अगर हाथ से प्लेट से अनाज गिर जाता है यह आपके लिए अशुभ संकेत है इससे वास्तु दोष उत्पन्न होने का खतरा बढ़ता है और घर में क्लेश होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं